हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सुबह 5 बजे मैं उठी हूँ और डायरेक्टली आ गई हूँ किचन में लंच प्रिपरेशन के लिए। और लंच इसीलिए इतना जल्दी बन रहा है क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं केरला। हमेशा वो बाय रोड ही जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इतना एनर्जी नहीं है, वो तो इसलिए बाय ट्रेन जा रहे हैं और उनको ट्रेन का फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उठी हूँ और उनके लिए बना रही हूँ अंबाड़े की भाजी और चुक्के की भाजी मिक्स करके। तो चुक्के की भाजी को ना बहुत लोग खट्टा पालक बोल के भी बुलाते हैं। तो या एनीवेज, मैंने यहाँ पर दाल को अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अंबाड़ी की भाजी और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चुक्के की भाजी। दोनों मैं 3-3 बंचेस में ली हूँ, ठीक है। सो ट्रस्ट मी गाइज, ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप बिरयानी के साथ या घर में पुलाव के साथ खाना चाहते हो, सच में बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 3 रफली चॉप्ड टमाटर और 3-4 ग्रीन चिलीज और नमक, मिर्ची, हल्दी एज यूजल। और मिर्ची मैंने यहाँ पर लिया है 3.5 टीस्पून, नमक एज पर और टेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और यहाँ पर मेनली ये है कि पानी बिल्कुल कम डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 5 विजिल्स तक अच्छे से प्रेशर कुक करके फ्लेम को ऑफ कर देना। उसके बाद यहाँ पर मैं तड़का का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अराउंड 5-6 ड्राई रेड चिलीज और ढेर सारा लहसुन और ज़ीरा, राई, करी पत्ता सब कुछ इसमें डालना है बस। और तड़का मेन है, आप जितना अच्छा तड़का दिल से बनाओगे उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। और भाजी के साथ डेफिनेटली साइड डिश कुछ होना चाहिए, चिकन या मटन या प्रॉन्स, कुछ ना कुछ। बट इतना अर्ली मॉर्निंग में प्रिपेयर नहीं कर पाए। एटलीस्ट यहाँ पर मैं पोटैटो फ्राई बना के दे रही हूँ उनके लिए। और अम्मी जल्दी जल्दी उठ गए और मेरे लिए पोटैटोस कट करके दिए थे, बहुत हेल्प हुआ था अम्मी कट करने के बाद, वरना मेरे पास ना इतना अर्ली मॉर्निंग एनर्जी नहीं था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी अम्मी पोटैटो फ्राई भी कर रहे हैं। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैंने राइस को भी रख लिया था राइस कुकर पर। तो ये सब कुछ करते हुए मुझे ना रमज़ान की याद आ गई है, क्योंकि रमज़ान में सब लोग उठ के सुबह कुछ ना कुछ करते हैं ना। अगर एक बंदा लाइट ऑन कर दिया तो सारे उठ जाते हैं। मेरे घर पे सेम ऐसा ही होता है, बस मैं आके हॉल में लाइट ऑन करती हूँ तो सब लोग उठ गए। तो सबके लिए मैं यहाँ पर चाय भी रख दी हूँ और सबको घर पे ना गर्मा गर्म चाय पीना सबको पसंद है। तो यूजुअली मैं और अम्मी धनिया का पानी, जीरे का पानी पीते हैं, बट अगर सब लोग एक साथ होते हैं तो गर्मा गर्म मैं चाय बना देती हूँ। तो प्रेशर कुकर ओपन करने के बाद इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है, अच्छे से घोट लेना चाहिए और बिल्कुल पतला वाला भी अच्छा नहीं दिखता, तो इसलिए इतना कंसिस्टेंसी हम लोग रखते हैं। और राइस भी माशाल्लाह बन गया है और पोटैटो फ्राई भी अभी आता है बारी तड़के का। और तड़का देना मुझे इतना पसंद है ना, तो मैं हमेशा तड़का कुछ अच्छा देती हूँ सब कुछ डाल के, बिल्कुल कुछ भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि तड़का तो मेन होता है डिश के लिए, ठीक है। फाइनली कुकिंग हो गया है और यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट उनका अर्ली मॉर्निंग हो गया था, सुबह में मैं उठने के बाद ही उनको ब्रेकफास्ट, चाय सब कुछ दे दी हूँ। और अभी वो जा रहे हैं और भैया जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। और यहाँ पर तो चेक करो, धूप ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 2 या 3 बज गए। बस अभी तो टाइम हुआ है 7:30 और 8 कुछ हो रहा है। और हमेशा मुझे थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग लगता है सडनली ऐसा जाने से, बट काम है, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं थोड़ा गर्मा गर्म चाय मेरे और अम्मी के लिए बनाई हूँ फिर से। और थोड़ी देर में यहाँ पर बैठूँगी और थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी टीवी देखते हुए, ठीक है। सो गाइज, जो भी चीज़ें चाहिए थे मुझे 2 दिन के लिए पहले से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया है। सच में इंडिया का लास्ट मिनट ऐप है ब्लिंकिट। और सादा सा ब्रेकफास्ट यहाँ पर मैं प्रिपेयर करी थी, बस पेपर के साथ ऑमलेट, ब्रेड एंड चाय तो मस्ट है मेरे लिए। उसके बाद आज सोच रही हूँ फेशियल करवाने के लिए, क्योंकि केरला भी मैं होके आई थी, काफ़ी डी टैन हो गया मेरा फेस, तो मेरा काफ़ी ड्राई स्किन है, उसके हिसाब से मैं कुछ फेशियल करवा लूँगी और टैन पैक के साथ। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या करवाना है। आज मुझे बस रेसिपी शेयर करना था, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, ठीक है।
उसके बाद जो कंटिन्यूटी ब्लॉग होगा कल मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। इंशाल्लाह फिर मैं कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।